अंतिम बजट पेश किया, जिसमें कुशीनगर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट में कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ने की घोषणा के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। 64 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन के लिए वर्ष 2019 में इसके लिए केंद्र सरकार ने गोरखपुर से कुशीनगर होते हुए पडरौना तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वे कराते हुए 1359 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट में 10 करोड़ रुपए का आवंटन का बजट पेश किया, जिससे अब इसका DPR तैयार कार्य शुरू किया जा सके। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बस सर्किट एरिया के पर्यटन विकास के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने डाल दिए। अब ये देश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां रेल की सुविधा नहीं। इस मुद्दे पर कई बार सदन में मैंने उठाया, माननीय रेल मंत्री जी से मुलाकात किया और ये शुभ संकेत है कि अब ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ना है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में 10 करोड़ रुपया मिला है। हम लोग बोध गया से राउंड करके वाराणसी जाए, उसके बाद में सर्वस्थी करके फिर यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम लोग को एक मतलब टैक्सी को हायर करना पड़ता है। हम लोग को अभी हम लोग ने 35,000 में उसको हायर किया करके हम लोग आ रहे हैं। सरकार ने इसको रेलवे से जोड़ने की बात की, अगर ये रेल से जुड़ जाता है तो कितनी सुविधा आप लोगों के लिए होगी? हाँ जी, अगर रेलवे से कर देगा तो बहुत सुविधा होगा हम लोग के लिए, क्योंकि रेल में तो इतना खर्चा तो लगेगा नहीं है। हम लोग ट्रेवल जैसे कि अब लॉन्ग ट्रेवल करने में ट्रेन में हम लोग थोड़ा